अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भारत ने आज कामयाबी का एक और मुकाम तय कर लिया। PSLV-C 23 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में अपनी जगह बरकरार कर ली। यही नहीं, अब तो भारत इसरो के जरिए सस्ता और भरोसेमंद उपग्रह प्रक्षेपण करने में दुनिया भर की प्राथमिकता भी बनता जा रहा है। कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत मजबूत तो हो ही रहा है, साथ ही भारी विदेशी मुद्रा भी इसके जरिए हासिल हो रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1। सुबह 9:52 पर PSLV-C 23 ने जैसे ही उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इबारत लिख दी। PSLV-C 23 रॉकेट ने 4 देशों के 5 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इस ऐतिहासिक मौके के गवाह इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इसरो के वैज्ञानिकों के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को प्रशासन और विकास से जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सार्क देशों के लिए उपग्रह का विकास किया जाना चाहिए। हमारा ये सार्क सैटेलाइट का सपना इन हमारे सभी पड़ोसी देशों के कल्याण में काम आएगा, और इसलिए मैंने आप सामने प्रस्ताव रखा है कि हम एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे सार्क देशों को एक अनमोल नजराना पेश करें, ताकि उनके कल्याण में हम भी भागीदार बने। जिन 5 उपग्रहों का आज प्रक्षेपण हुआ, उनमें फ्रांस का स्पॉट 7, जर्मनी का ए-सैट, कनाडा के 2 कैन-S4 उपग्रह और सिंगापुर का वेलॉक्स 1 शामिल है। इन 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने संबंधित देशों के साथ हुए कारोबारी समझौतों के तहत किया है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में भारत की बड़ी कारोबारी कामयाबी है। दिस लॉन्च ऑफ PSLV इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। We are especially targeting capturing part of the space commerce. From that point of view, launching 5 satellites from different countries of the world together in PSLV is very important. इसरो ने अब तक 19 देशों के करीब 35 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे देश हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महारत रखते हैं। PSLV-C 23 की लॉन्चिंग से भारत ने व्यावसायिक प्रक्षेपण बाजार में पैठ और मजबूत कर ली है। इस समय अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, इसराइल की ईसा, रूस की रॉस कॉस्मोस, भारत का इसरो, चीन की CNSA, जापान की JAXA के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण का काम करती है। आमतौर पर एक उपग्रह की लॉन्चिंग में करीब $50 मिलियन यानी 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत का व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण खर्च करीब 10% और तकनीकी तौर पर बेहतर है। इस वजह से इसरो दुनिया के देशों के लिए उपग्रह भेजने की पहली पसंद बन गया है। सारे के सारे सैटेलाइट जो हैं वो विदेशी सैटेलाइट थे, जिनको हम लोग किसी कॉस्ट पे छोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च है कि हम लोगों ने कमर्शियली एक चीज जो हम लोगों ने पकड़ी उसको हम लोगों ने पूरा किया। एज फार एज अ कमर्शियल लॉन्च इज कंसर्न, दिस इज अ ट्रेमेंडस सक्सेस, एंड एज फार एज आवर एबिलिटी इज कंसर्न, इट इज जस्ट वन मोर स्टेप दैट वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड एट द चीपेस्ट रेट। अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार की बात करें तो कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एडवाइजरी कमेटी और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमान के मुताबिक 2013 से 2022 के बीच दुनिया में सालाना करीब 31 व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मांग होगी। इसके मुकाबले मौजूदा क्षमता के लिहाज से करीब 13 व्यावसायिक प्रक्षेपण उड़ाने हो सकती हैं। इस नजरिए से अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर है। ऐसे में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ईंधन भरने, जांच और प्रक्षेपण की आधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही वायुमंडल के अध्ययन के लिए रॉकेट प्रक्षेपण और 2 लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। PSLV और GSLV के जरिए भारत अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में अब ऊंची उड़ान लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। PSLV-C 23 के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और इस कामयाबी को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। राष्ट्रपति ने इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन को भेजे संदेश में इस अभियान से जुड़ी टीम को बधाई दी है और कहा है कि देश को इस अहम उपलब्धि पर गर्व है। केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी PSLV-C 23 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मैं अपने समस्त वैज्ञानिकों को इसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और बराबर हमारे देश का वैज्ञानिक कामयाबी की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ता जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के वैज्ञानिक भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में
इस बिल्कुल शिखर पर ले जाने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करेंगे। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं जो CSIR में चीफ साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौहर रजा साहब। हमारे साथ अतुल अनेजा हैं जो कि द हिंदू अखबार में एसोसिएट एडिटर हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैटर्स के अफेयर्स के। बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर सेल्वामूर्ति हैं जो कि फॉर्मर चीफ कंट्रोलर यानी R&D और DRDO में आप काम कर चुके हैं। और इसके अलावा मौजूदा वक्त में आप अमिटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौहर रजा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूं अगर तो इसे क्या हम मान सकते हैं कि एक वक्त था जैसा कि PM साहब ने बोला कि साइकिल पर रॉकेट लेकर चलने वाला देश जो है अब विदेशी सैटेलाइट्स को अपने यहाँ से और वो भी व्यावसायिक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, तो हमने एक अहम कामयाबी एक अहम मुकाम तय किया है, लेकिन यहाँ से हम आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और कितना हमारे लिए ये गर्व की बात है? पहली बात तो ये कि जब डॉक्टर सारा भाई ने पहली बार ये देश के सामने प्लान रखा था कि हमारे देश के अंदर जो स्पेस साइंस है उसके ऊपर काम होना चाहिए और हम उस रास्ते पे आगे बढ़े, तो बहुत सारे लोग थे जो बड़े स्केप्टिकल थे, जिनको डर था कि हम अपनी बहुत जो छोटी पूंजी है, उस वक्त गरीब देश था, अनपढ़ लोग थे, भुखमरी थी, बार बार बाढ़ आती थी, प्रोडक्शन कम था, ये सब कुछ परेशानियों के बावजूद जब ये प्लान डिस्कस हो रहा था तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, साइंटिफिक लीडरशिप थी, उसने एक कड़ा कदम उस वक्त उठाया। उस वक्त तक सोचना मुश्किल है कि ये कितना मुश्किल कदम था, लेकिन आज उनकी दूरदर्शिता कितनी काम आ रही है ये देखने की बात है। आज यही जो इसरो है वो हमारे लिए एक दूध देने वाली गाय भी बन गया है। सिर्फ यही नहीं है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में मील के पत्थर के बाद मील का पत्थर तय कर रहा है, बल्कि आज हम दुनिया के देशों से इसको लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करके आमदनी भी बढ़ा सकते हैं अपने देश की। जी, और इसीलिए इसको बेहद अहम भी माना जा रहा है। गौहर रजा साहब, मैं सेल्वामूर्ति साहब के पास आना चाहूंगी। सेल्वामूर्ति जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि इस व्यावसायिक प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत का एक बड़ा कारोबारी कामयाबी इसे कहा जा सकता है? मैं पहले ये सब स्पेस साइंटिस्ट लोग को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च है जिससे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस कैपेबिलिटीज़ को हमने, वो रिलायबिलिटी इन स्पेस लॉन्च व्हीकल को हमने प्रूव किया है दुनिया को जी। और दुनिया का भरोसा भी जीता है। ये सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये स्पेस लॉन्च पूरा दुनिया हमारे देश के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इसका प्राइस कम होगा, लॉन्च के लिए एक्सपेंडिचर कम होगा और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये सर्विस ये सिर्फ ये 40 देश के लिए नहीं है, पूरा दुनिया को हम दे सकते हैं। और जिससे वैज्ञानिक ये हमने सैटेलाइट से और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को काफ़ी फायदा पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट कर सकते हैं मानसून कब आएगा, जब इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू करना है। ये सब हमारा सैटेलाइट इमेजिंग से, रिमोट सेंसिंग से हम उनको बता सकते हैं क्या क्या करना है, सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और फूड सिक्योरिटी को हम बहुत ताकत से दे सकते हैं जी। और इस लॉन्च में हमारा प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ थे और जिससे बहुत इनको प्रेरणा मिलता है, हमारा साइंटिस्ट लोग को इतना महत्वपूर्ण देते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इसलिए हम हमारा साइंटिस्ट लोग हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं जी। अतुल जी, ये जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार है जिसको कहा जा रहा है कि $304 बिलियन का अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार है, इस बाजार में क्या हमने अपनी पैठ बना ली है और यहाँ से हम कितनी ऊंची उड़ान लगाने में अभी सक्षम अपने आप को पा रहे हैं? ये एक तरह से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया गया। ये नहीं कि पहली बार हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हमने 15 सालों में 19 देशों के तकरीबन 35 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। लेकिन एक जो PSLV की रिलायबिलिटी फैक्टर है कि एक प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम ये कर सकते हैं, और आज की जो लॉन्च में उसमें हमने स्पॉट 7 सैटेलाइट जो किया, जर्मनी की एक सैटेलाइट और सिंगापुर की, तो इससे ये पता लगता है कि
एडवांस कंट्रीज की सैटेलाइट लॉन्च भी हम कर सकते हैं, और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इससे जो है कि आप जो जिस बाजार की बात कर रहे हैं उसमें हमने एक ठोस कदम रख लिया है ऑलरेडी, इसके आगे कहाँ जा सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट जो बहुत बड़ी मार्केट आने वाली है वो है भारी सैटेलाइट्स की, हैवी सैटेलाइट जिसको कहते हैं, 4 टन की सैटेलाइट्स हैं, वो तब होगी जब हमारा GSLV रॉकेट वो कामयाब होगा। अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे, वे क्लोज टू इट, लेकिन अभी अगर हम वो माइलस्टोन क्रॉस करते हैं और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे हम जो है हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं 4 टन के ऊपर, तो इस बाजार में जो हमारा जो हमारी नींव होगी वो और भी ठोस होगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम GSLV में अपना एक तरह से कहें एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो हम और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा मार्केट शेयर जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी एक बहुत ज्यादा एक बहुत भारी अचीवमेंट है, लेकिन अभी अगर हम अगला कदम भी कर पाए जी। सेल्वामूर्ति साहब, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि GSLV को लेकर अभी भी एक हिच बनी हुई है और हम उस क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं ताकि ये जो हम आज देख रहे हैं, जिस पर हम गर्व कर रहे हैं और जिस प्रक्षेपण के जरिए हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम दुनिया के लिए भरोसेमंद प्रक्षेपण देश बन सकते हैं, प्रक्षेपण करने वाले देश बन सकते हैं, उसमें अगर हम GSLV की उपयोगिता को भी अपने यहाँ विकसित कर लें तो कितना और आगे बढ़ सकते हैं और उसमें क्या हिच है, क्या दिक्कत है? हमारा अभी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम SLV और ASLV, PSLV, अभी GSLV तक पहुंचे हैं। हमारा चंद्रयान पहला मिशन भी सक्सेसफुल हुआ है और मार्स प्रोब भी अभी ठीक चल रहा है। ये सब हमारा दुनिया को दिखा रहे हैं, हमारा साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रीज जो कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं, कितना मैच्योरिटी उस देश में आ गया, देश में इंडस्ट्रियल बेस कैसे बढ़ गया और साइंटिस्ट का रिलायबिलिटी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है दुनिया को दिखा दिया अभी PSLV 27th लॉन्च मिशन में, जिससे अभी GSLV का टेक्नोलॉजी भी मैच्योर हो रहा है। हम ज़रूर उसमें भी कामयाब आएंगे और उसके लिए इसरो साइंटिस्ट लोग और हमारा दूसरे साइंटिस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सब लोग मिलके GSLV को भी सक्सेसफुल करेंगे जी। गौहर रजा साहब, हमने देखा अभी GSLV में भले ही हम उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सके हैं, लेकिन ओवरऑल स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि उसके स्ट्रक्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको तो आगे की तरफ बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन विज्ञान के जो दूसरे महकमे हैं हमारे देश में वो उसकी दर से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं विज्ञान में जो ज्यादा बड़ी न्यूज बनाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूज नहीं बनाती, लेकिन वो धीरे धीरे देश के अंदर बदलाव लाती हैं। जैसे जरूरत इस बात की भी है कि नई तरह की वैरायटीज आती रहें, इसकी भी जरूरत है कि हमारे यहाँ बेहतर डोसा बनता रहे जो हमारा एक इंस्टीट्यूट कर रहा है, खाने के पैकेट्स बेहतर तरीके के बनाए जाएं जो एक CSIR का इंस्टीट्यूट कर रहा है, या बीमारी के नए नए इलाज निकाले जा सकें जो एक लखनऊ का इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो ये हमेशा बड़ी न्यूज नहीं बनती है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें बहुत दिन तक काम करना पड़ता है, फिर ऐसा होता है कभी कि एकदम से बड़ा बदलाव आता है जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। लेकिन क्या हम कोई ऐसी चीज याद कर सकते हैं आज इस वक्त में जब हम देश को मान रहे हैं कि आज के इस सैटेलाइट लॉन्च से देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है, ठीक ऐसा ही कोई गर्व का क्षण आप याद कर सकते हैं जब CSIR ने या दूसरे जो साइंस के हमारे देश में महकमे हैं, सरकारी महकमे, उन लोगों ने कोई बड़ा अचीवमेंट किया हो, हासिल किया हो और जिसके जरिए देश को गर्व महसूस हुआ हो, क्या कोई ऐसा क्षण याद किया जा सकता है? क्यों वो उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं या उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे? आपको मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा, एक एग्जांपल यह है कि हमारे देश को दुनिया के देशों ने मना कर दिया था पाउडर्ड मिल्क देने से, CSIR ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप की और इसकी वजह से हमारे देश में हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकी। दुनिया के देशों ने, आप सोच सकते हैं कि पाउडर्ड मिल्क देने से मना कर दिया किसी मुल्क को। हमारे देश में जब हम पैरों पे चलने के काबिल भी नहीं थे तब गुब्बारे बनाने की टेक्नोलॉजी इसलिए मना कर दी थी कि उसका
यूज जो है वो नॉन सिविलियन टेक्नोलॉजीज में हो सकता है, और तब हमने गुब्बारे अपने यहाँ बनाने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमारे यहाँ प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, जो आधार बना CSIR बनने का। ये वो स्टेप्स हैं और मैं गिनाता रह सकता नहीं, लेकिन गौहर साहब, लेकिन बात ये है कि जिस तरह से इसरो व्यावसायिक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस तरह से दूसरे विभाग शायद व्यावसायिक कामयाबी नहीं दे पा रहे हैं क्या, जिसकी वजह से उतनी चर्चा नहीं हो पा रही है उनकी? एक एक और एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा सर। गौहर रजा साहब को सुन ले, इसके बाद आपके पास आती हूं मैं। जी। वो जी हमारी साख जो रेट्रोवेल ड्रग्स थी, जो एड्स के लिए ड्रग्स थी, हमने बहुत सस्ते दामों में अफ्रीका को प्रोवाइड किए हैं, सारे इंटरनेशनल कंपटीशन के बावजूद, जिससे हमारे देश का सर इतना ऊंचा हुआ है, खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज में, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बात जरूर है कि इसरो भी है जो हमारा सर ऊंचा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सिंपल ड्रग्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं दुनिया भर के देशों को, वो भी हमारा सर ऊंचा कर रही है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो न्यूज नहीं बन पाती, कभी बनती हैं कभी नहीं बन पाती। जी सलवीन साहब, जी सेल्वमूर्थी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? हाँ जी, वैज्ञानिक हमारा कृषि क्षेत्र में भी हमारा DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम हाई आल्टीट्यूड में 5000 मेट्रिक टन्स का वेजिटेबल हमने प्रोड्यूस किया था, क्योंकि सिर्फ वो टेक्नोलॉजी हमने बनाया था हाई आल्टीट्यूड में, सब जीरो टेम्परेचर में कैसे इनको वेजिटेबल्स, 98 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमने रिसर्च करके किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टू डेवलपमेंट, इसलिए हम अभी इसरो ये लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कृषि क्षेत्र में बहुत फायदा पहुंचेगा, और एवरग्रीन रेवोल्यूशन अभी बोल रहे हैं जिसके लिए। सेल्वमूर्थी साहब के पास हम दोबारा लौटेंगे, थोड़ा तकनीकी कमजोरी हो गई, लेकिन मैं अतुल जी आपसे जानना चाहती हूँ, अभी हमने बेशक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उस लेवल पे कामयाबी शायद नहीं हासिल कर पाए हैं जिस लेवल पे स्पेस सेक्टर में हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, और जिसको एक तरह से कहें विदेशी या विकसित देश भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो अपने सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च करने का पहल कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसी पहल या इस तरह का भरोसा दूसरे सेक्टर्स पर विदेशी मुल्क क्यों नहीं कर पाए, दूसरे मुल्क क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर ये रिकॉर्ड एक मिक्स रिकॉर्ड है, इसरो इज एन एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन में जो देख सकता हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, उधर भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, पूरा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर मास्टरी, रीप्रोसेसिंग, न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, तो वो एक और डिपार्टमेंट है जो कंपेरेबल मैं कहता हूँ कि जो मतलब इसरो के साथ है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पेस साइंस दो चीजों में हम आगे टॉप क्लास और बिल्कुल एक्सीलेंट है। लेकिन बाकी DRDO की जैसे बात है, उसका एक मिक्स रिकॉर्ड है, लेकिन ये नहीं है कि किसने कम किया किसी ने ज्यादा, बात कारण पूछने की है। अगर DRDO ने वैसा नहीं किया तो क्यों किया, क्यों नहीं किया, आए सर वो सक्सेसफुल क्यों है, DRDO उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है, वो उसके ऊपर आप कहते हो किस तरह से उसमें पोलिटिकल थ्रस्ट था। जिस तरह से इसरो एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से ड्रिवन था, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जिस तरह से कल्चर वहाँ का जो लीडरशिप प्रोवाइड की गई, ये सारे फैक्टर्स हैं वो इसरो को आगे जिसने बढ़ाया है। DRDO में हम देखते हैं कि उसमें कभी आया है, कभी उस तरह से थ्रस्ट नहीं आया। रिसेंटली वहाँ पर आप चेंज देखते हैं, जिस तरह से अग्नि मिसाइल, सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स बनाई हैं, या अरिहंत जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाया गया है, लेकिन तेजस का भी उदाहरण है 30 साल में बना, लेकिन वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका मिक्स रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन हाल में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक एक तेजी आ रही है और प्रगति हो रही है। और अरिहंत का मैं खास एग्जांपल इसमें देता हूँ, और ब्रह्मोस मिसाइल का जो है एक छोटी सी कंपनी ने उसमें रिजल्ट शो किए हैं, तो ये एक एनालिसिस की बात है कि ये क्यों उतना सक्सेसफुल बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं हुए इन कंपेरिजन टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। तो इसमें बात पर्सनल की है, पॉलिटिकल थ्रस्ट की है, फंडिंग की है, और सबसे ज़रूरी है किस तरह का अंदर इंटरनल कल्चर है उस जगह का, क्या वो कल्चर ऐसा है जो इनोवेशन रिसर्च के लिए उसको प्रोत्साहित करता है लोगों को।
तो ये हमें देखना है उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है उस डिपार्टमेंट में, ये एनालिसिस करना इसका बहुत जरूरी है। सेल्वमूर्ति साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, जो जो मुकाम हासिल किया है आज स्पेस साइंस ने, एटॉमिक रिसर्च साइंस ने, वो मुकाम दूसरे साइंस के डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? हालांकि गौहर रजा साहब अपनी तरफ से कई मिसालें, कई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके अगर हम दुनिया के लेवल पे अपने लिए कोई पहचान बना पाए हैं तो सबसे ज्यादा वो स्पेस साइंस में बना पाए हैं, एटॉमिक साइंस में बना पाए हैं, लेकिन और दूसरे महकमे क्यों पिछड़ रहे हैं? उनके स्ट्रक्चर और इनके स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? आपने तो R&D में भी काम किया है, DRDO में भी काम किया है। जी जी, मैं कह दूंगा, ये स्पेस और एटॉमिक एनर्जी का बैंडविड्थ है वो बहुत फोकस्ड है, सिर्फ लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट बिल्डिंग, ये एक्सपर्टीज है। सिमिलरली एटॉमिक एनर्जी में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन एंड एनर्जी एप्लीकेशन, मगर दूसरा सेक्टर CSIR हो या DRDO, हमारा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत ब्रॉड बैंडविड्थ है, मिसाइल्स उसमें DRDO ने डिलीवर किया है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, इंटरसेप्टर मिसाइल, ऑल दिस सबमरीन लॉन्च मिसाइल, ये सब मिसाइल ने हमने तैयार किया है और मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी इंडक्टेड इन सर्विस। और उसकी सक्सेस रेट कितनी है? फिर हम रडार्स लेंगे, सक्सेस रेट काफी अच्छे हैं क्योंकि अग्नि 3 तक हमने इंडक्ट कर लिया, अग्नि 4 इस साल में इंडक्ट हो जाएगा। सो मिसाइल सेक्टर में बहुत बहुत ताकत, काफी ताकत है और डिलीवरी कर लिया, ये सिस्टम्स कर लिया। फिर हमने एरोनॉटिक्स में अनमैन्ड एरियल व्हीकल निशांत और लक्ष्य, ये डिलीवर हो गया। अभी दूसरा उसमें तेजस बहुत टाइम लिया है क्योंकि हमारा अमेरिकन कोलैबोरेशन में कुछ विलंब आया था क्योंकि हमने उसके साथ अग्रीमेंट किया था, वो 1998 के बाद उससे डिले हो गया, कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ से आना था, फिर उसको हमने डेवलप किया है। इसलिए तेजस अभी 4th generation फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी भी अभी इंडक्ट होगा और भी 20 साल तक, ये हमारा टेक्नोलॉजी, कभी भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, ये 4th generation फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्लाई बाय वायर, डिजिटल कॉकपिट एंड 60% ऑफ इट द एयर फ्रेम इज कॉम्पोजिट। वो जब बेस्ट 4th generation फाइटर एयरक्राफ्ट में आप देखना चाहते हैं वो तेजस में है। इसलिए पहले बार ये कंट्री में हमने एक कार भी अपना डिजाइन में नहीं बनाया, अभी टाटा इंडिका आने तक हमने, हम बोल रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स हमने कार भी नहीं बनाया टाटा इंडिका आने तक, और हम रॉकेट को भी साइकिल पर लेकर चलने वाले देश रहे हैं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी कहा और गौहर रजा साहब भी ये बता रहे थे कि कैसे हम एक गरीब मुल्क होते हुए रिस्क लेते हुए इस दिशा में आगे बढ़े और आज कामयाबी के मुकाम तय कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो एटॉमिक रिसर्च की बात कर लें, चाहे वो स्पेस साइंस की बात कर लें, यहाँ पर जो कामयाबी हमारे देश में मिल रही है या DRDO की भी कामयाबी को अगर हम इसमें जोड़ लें, हालांकि DRDO की कामयाबी को उस तरह से नहीं देखा जाता है, मगर हम CSIR और DRDO को भी अगर हम इसमें जोड़ लें तो वो सारा कल्चर देश के बाकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? उनके स्ट्रक्चर और यहाँ के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? क्यों नहीं कामयाबी के वो मुकाम हम हासिल कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा इशू होता है लीडरशिप। लीडरशिप हर एक लेवल पे आपको चाहिए, कंसिस्टेंट लीडरशिप, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना डेमोक्रेटिक कल्चर है, कितने लोग, कितने साइंटिस्ट अपने आइडियाज़ फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ में देखा जाए ऑल्सो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर आपको नौकरियां बाहर मिल रही हैं, विदेशों में मिल रही हैं, और आपका सिस्टम आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा मॉनेटरीली और अदरवाइज, तब उसमें भी एक फैक्टर आ जाता है जो आपको पीछे खींचता है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं, ह्यूमन फैक्टर, अल्टीमेटली एक टीम वर्क ही सक्सेस आपको लाता है, तो ऐसी टीम्स क्यों नहीं बनी है ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात एक और आती है, अभी टाइम आ गया, जैसे आज की लॉन्च के बाद हम कमर्शियल वर्ल्ड में आ गए हैं, इसलिए अब थोड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और एक्सपेंड करके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टाइम आ गया है, जिससे मुझे लगता है कि एफिशिएंसी जो है, जब आप एक ऑपरेशन, इंडस्ट्री का सहयोग तो अभी भी इसरो को मिल रहा है, इसरो को मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जैसे बात आ रही है, तो बहुत सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है, प्राइवेट सेक्टर में भी उसके साथ जुड़ रही है, तो लेकिन आपका जो अप्रोच है
एक तो R&D स्टेज है, फिर एक कमर्शलाइजेशन का फेज आता है, उसका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, उसके मार्केटिंग एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो अब आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, सिर्फ आप आइसोलेटेड होके एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं रह सकते, आपको खुलना होगा आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री और ग्लोबली भी अगर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब अपने अपने मार्केटिंग स्ट्रक्चर में भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट और एक ओपननेस टू ब्रिंग इन अदर्स ऑल्सो। कंट्रोल आपके पास है लेकिन बाकियों से भी, क्योंकि जब आप बाहर वालों को लाते हो तो नए आइडियाज आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, जिससे ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी ग्रोथ होती है। अपने आप को आइसोलेटेड करके 30 मार्क तो बना सकते हो जी। लेकिन अपने आप को खोलिए और बाकियों को भी आइए और फिर उसके बाद जो है आप अपनी लीडरशिप जी। हमने एक मुकाम तो हासिल किया है सेल्वामूर्थि साहब, लेकिन इस मुकाम से आगे की उड़ान भी है। हम अभी सपना देख रहे हैं कि सार्क देशों के लिए भी हम कुछ इस तरह का सैटेलाइट और इस तरह की सुविधाएं मुहैया करा सकें जिसमें हम उन्हें अपने क्षेत्र में ले सकें या हम उनकी मदद कर सकें उस मुकाम तक पहुँचने के लिए और दुनिया के बाजार में, स्पेस बाजार में अपनी जगह को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सीडिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत एनकरेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ है, IITs है, NITs है, कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सब मिलके हमने सीडिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ वहीं से ऑरिजिन होगा जी। हमने बहुत ज्यादा बहुत बार इस तरह की बातें सुनी है कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो अभी 1% के करीब है, इसके अलावा जो रिसर्च में हमारे यहाँ बजट हायर एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है वो 0.85 या 0.84% के करीब है, और ऐसी स्थिति में क्या इन क्षेत्रों में भी ज्यादा फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं और एक तरह से कहें रिसर्च को बढ़ावा देंगे तो शायद हम जो हमारा फोकस एरिया है, चाहे वो इसरो हो या दूसरे एटॉमिक रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशन हो या IIT जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके जरिए हम इसको मदद कर सकते हैं साइंस के क्षेत्र में? हाँ जी, इसका हमारा सरकारी का देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, नैनो टेक्नोलॉजी और IT रेवोल्यूशन, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसलिए हम वो टेक्नोलॉजी सीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर दूसरा है इंटरफेस बिटवीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और R&D इंस्टीट्यूशन लाइक एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, CSIR, DRDO, इसको हम ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इसको इंटरफेस को मजबूत करने के लिए। और तीसरा है इंडस्ट्री इंटरफेस, क्योंकि ये सब इनोवेशन जब आएगा, इंडस्ट्री आता है और इसको कोई भी इनोवेशन आता है उसको इंडस्ट्री कमर्शलाइज करेंगे। सो ये तीनों प्लेयर है, स्टेक होल्डर्स है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, R&D ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री, ये तीनों हमारा सरकार, अभी नया सरकार बहुत फोकस देंगे ये तीनों को इंटेग्रेट करने के लिए, फिर हम देश में और दुनिया में हम लीडरशिप रोल ले सकते हैं। और इसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए, ऑटोनॉमी देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डायरेक्टली PM के अंडर आता है, इसलिए उनका कमीशन स्ट्रक्चर है, तो ये भी इनका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिल जाता है, वो भी एक कारण है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स अदर फैक्टर्स मेंशन। जी, एक बड़ा मुद्दा है कि इस स्पेस साइंस के जरिए, एटॉमिक साइंस के जरिए हम अपने आप को, अपने देश को आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत कर सकते हैं, और इसको करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज की भी आपको ज़रूरत महसूस होती है, ख़ास तौर से उन युवाओं को प्रेरित करने की भी ज़रूरत है, और प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है जिससे कि युवाओं का ध्यान साइंस और रिसर्च पर ज़्यादा जाए, तभी शायद इसरो को ज़्यादा मदद मिल पाएगी या इस तरह के संस्थानों को जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करें उनको ज़्यादा मदद मिल पाएगी। जी हाँ, ये आपको ग्रास रूट से ऊपर तक एक मजबूत करना है एजुकेशन सिस्टम को। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं या IITs की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी हम बहुत थ्योरेटिकल हैं, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट जा रहा है वहाँ पर, लेकिन एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच जो होती है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एलिमेंट जो होता है वो अभी भी उसमें कमी है। तीसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है
क्वालिटी ऑफ टीचर्स, ये एक हम ये समझ के कि हम बहुत अच्छे हैं और जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं ये ऐसे नहीं हैं. दुनिया में बहुत जगह प्रगति हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है, तो हमें भी अपने जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है उसको भी अपग्रेड करना है ताकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हैंडल कर सकें. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो सुझाव हमारे विशेषज्ञों की तरफ से आए हैं इस पर ज़रूर सरकार का ध्यान जाएगा. फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का. तो हम आज बात कर रहे थे इसरो की कामयाबी की और इसरो की कामयाबी को हम आने वाले दिनों में और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इस बात को लेकर. तो ये थी आज की हमारी पहली खबर.